नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 6 गो के अंदर में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि यह सेटिंग बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बिल्कुल ये छोटा होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखें फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल छोटा होने वाला फ्रेंड्स। और दो सेटिंग में बताऊंगा जो कि आपको शायद इस फोन के अंदर में यह सेटिंग पता नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको दिखाते हैं दो ये सेटिंग फ्रेंड। जो कि पहला सेटिंग है फ्रेंड्स, जो कि नोटिफिकेशन से मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। और दूसरा भी आप अपने फ़ोन में जो कि सिम 1 से कौन सा टोन सेट करना चाहते हैं, सिम 2 में कौन सा टोन सेट करना चाहते हैं, ये सारा का सारा मैं जानकारी आज मैं बताऊंगा फ्रेंड। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाए, फोन के सेटिंग में आपको आना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाता हूँ। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन को साउंड को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखे फ्रेंड्स डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन को साउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन का साउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए आप जिसके ऊपर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स वो आपको नोटिफिकेशन सेट हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो कि आप अपने फ़ोन में जो डाउनलोड किए हैं रिंगटोन या कोई भी टोन सेट किए हैं लोड किए हैं उसको आप रखना चाहते हैं नोटिफिकेशन साउंड में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन है, यहाँ पे देखें ऐड नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। उसको तो आप अपने फ़ोन में जो भी टोन डाउनलोड करके रखे होंगे वो टोन को अपने मन अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो कि यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर इस पर जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, या फिर आपके फ़ोन में रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपने नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने मन अनुसार नोटिफिकेशन को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मान के चलिए आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट करना है, मान के चलिए आप फ़ोन में दो सिम यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम 1 में कॉल कर रहा है और कोई सिम 2 में कॉल कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप दोनों का एक ही साथ रिंगटोन बजता है, एक ही जैसा रिंगटोन बजता है, तो आपको पता नहीं लगता कि किस नंबर पर फ़ोन आया। तो उस दौरान में क्या होता है कि आप अपने चाहें तो यहाँ पर अपना रिंगटोन है जो कि सिम 1 में कुछ और रखना चाहते हैं, सिम 2 में कुछ और रखना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मान के चलिए आपको सिम 1 में दूसरा रिंगटोन रखना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे फिर तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आप इस तरह करके चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी रिंगटोन का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें मैं इसको आवाज कम कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप फोन में जो डाउनलोड किए हैं रिंगटोन उसको सेट करना, तो यहाँ पे ऐड रिंगटोन पे उसके ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको फोन में जितने भी अगर डाउनलोड करके रखेंगे अलग से रिंगटोन, तो यहाँ पे आकर आप डाउनलोड किए हुए रिंगटोन को सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर में फ्रेंड। पहला है फ्रेंड्स उसको मान के चलिए आपको दूसरा में सेट करना फ्रेंड, तो आप दूसरे में भी सेट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ऐसा ही है फ्रेंड। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स अगर आपको दूसरे में करना है तो दूसरे में जाकर आप कोई भी टोन के सेट कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन में जो डाउनलोड किया उसको भी इस तरह सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स के दोनों में अलग अलग रिंगटोन सेट करके रखेंगे फ्रेंड, तो कभी भी कोई कॉल आएगा तो आपको कभी सिम 1 में आएगा तो पता लग जाएगा, या सिम 2 में आएगा तो टोन से ही आपको पता लग जाएगा कि किस नंबर पर आपका कॉल आया है। तो फ्रेंड्स आपको टेक्नो स्पार्क 6 गो के अंदर में ये हिडन सेटिंग आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड। और फ्रेंड्स इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों आप जब बेल आइकन घंटी को दबाएंगे तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।